नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे भयानक बीमारी के बारे में जिसमें क्या होता है कि 20 साल से कम उम्र के बच्चों में या 25 साल 30 साल के कम उम्र के इंसान में पेन होना स्टार्ट हो जाता है कमर में और अपने कुल्हों के जो जोड़ होते हैं जिनको हिप बोन कहते हैं उनके अंदर और अपनी जित गर्दन के आसपास जकड़ाहट होना, चल नहीं पाना, उसकी वजह से इतना पेन होना लग जाता है। और इसको लोग सोचते हैं कि ये गठिया बाई हो सकती है, लेकिन दोस्तों वो गठिया बाई नहीं होती है। बहुत सारे डॉक्टरों को तो यही पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या होती है, क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है और वो पेन किलर देते जाते हैं। और उनको जब एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उसके लिए वो एंडोकैप साज यही दवाई देते हैं, क्योंकि उनके पास इस चीज का इलाज ही नहीं है। और ऑब्वियसली बात है, इस बीमारी का जो कि है नाम जिसका HLA-B27 एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसका इलाज भी नहीं है किसी एलोपैथिक के पास। अगर दोस्तों आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को अचानक पेन होना स्टार्ट हो जाता है 25-30 साल के कम उम्र के, चाहे वो 10 साल का हो 15 साल का हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, उसको एक HLA-B27 हो सकता है। आप उसका टेस्ट करवाइए HLA-B27 और पता कीजिए कि उसको बीमारी कहीं ये ही तो नहीं है। अगर वो ये उनको ये बीमारी निकलती है तो उनको वात वाली रोगों जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो भी काम नहीं करेंगी। गठिया बाई कहने का अर्थ है आप उसको गठिया बाई समझ लोगे, जिनकी पर दवाएं खिलाते रहोगे तो कोई आनी जानी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए एक परफेक्ट बोलते हैं फॉर्मूले की जरूरत होती है जो इसको बिल्कुल ठीक कर सके। मैं इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य कारण था, क्योंकि आजकल लोगों को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में। ये नई बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं पता कि डॉक्टरों को भी नहीं पता, इंडिया के 90% डॉक्टरों को ही नहीं पता ये क्या बीमारी। ऐसे HLA-B27 के ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनको एलोपैथिक दवाई वाले जो MBBS हैं, इन्होंने कम से कम भी 10-10 साल तक गठिया बाई कह कह कर दवाएं खिलाई हैं और उनके बाद HLA-B27 कोई सी अच्छे भले डॉक्टर ने उनको बताया कि ये जांच कराइए और वो पॉजिटिव निकले, तो उन्होंने मुझसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल लाइफ टाइम ठीक हो गए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक छोटा सा मकसद था। अगर आपको कभी भी किसी भी इंसान को आपके आस पड़ोस में या आपके मोहल्ले में आपके परिवार में अगर ऐसे इंसान है जिसके पेन होना स्टार्ट हो चुका है अचानक और धीरे धीरे भी, और शरीर के किसी एक अंग में जकड़ाहट होने लगी है या पूरे शरीर में जकड़ाहट और दर्द होने लग गया है, तो उसको एक बार HLA-B27 टेस्ट जरूर कराएं, उनकी लाइफ का सवाल है। क्योंकि वो गलत राह में जाएंगे तो पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, अपनी फैमिली के मेंबर्स तक, अपने फैमिली ग्रुप्स में सेंड कीजिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी कुछ एक बीमारी है। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, लोगों की आंखें खोलिए। मिलते हैं ऐसी वीडियोज के साथ। नमस्कार।